लाइट का लेवल एडजस्ट कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, ये ऑप्टिमल है। एंड रीसेंट सोर्स पूरे डिलीट कर दिए मैंने, फ्रेश स्क्रैम्बल मैंने सेलेक्ट कर लिया। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड रात के 2 बज रहे इस वक्त, एंड अपना रूम बंद करके काफ़ी अंधेरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ लैंप में, एंड काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। एंड एवरेज ऑफ 5 की सीरीज हमारी कंटिन्यू करूँगा मैं, एंड बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ड्रिफ्ट 3M+ के ऊपर एवरेज ऑफ 5 निकालो। ठीक है, हमने आई थिंक 3 या 4 मैग्नेटिक क्यूब्स के ऊपर अब तक एवरेज ऑफ 5 निकाल लिया, एंड आज ड्रिफ्ट 3M+ की बारी थी। एंड लुब्रिकेशन थोड़ा मैंने लुब्रिकेट किया इसको ड्रिफ्ट लुब्रिकेंट से, ताकि काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, एंड ऐसा ही हुआ, काफ़ी अच्छी तरीके से क्यूब परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में। एंड 9.19 सेकेंड्स। गाइस पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब 10 एवरेज हासिल करूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूब्स को भी रिव्यू करना पड़ता है, इसीलिए इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड यहाँ आई थिंक कॉर्नर ट्विस्ट हुआ है मेरे से, एंड चलिए कोई नहीं, आई थिंक थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है इसकी वजह से, नहीं तो आई थिंक 11 या 10.59 ऐसा मेरा टाइम आता। एंड फोर्थ सॉल्व, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है एवरेज ऑफ 5, मुझे कमेंट करके बताएं क्या किसका क्या चल रहा है, ताकि हमें क्यूबिंग कम्युनिटी को मालूम रहे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ओ यहाँ गड़बड़ कर दी गाइस मैंने, एंड इसीलिए 1 सेकंड पॉज करूँगा, ताकि 1 सेकंड ही लगाना। एंड यहाँ देख सकते हैं आप कवर हो गए, एंड काफ़ी अच्छा ZBLL का केस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, एंड लक्की सॉल्व हो गया 9.59 सेकेंड्स। अच्छा अब बहुत लोग पूछेंगे ZBLL क्या है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं सकता। एंड लास्ट सॉल्व है, चलिए देखते हैं क्या टाइम आता है। एंड भूख भी लग रही है यार काफ़ी वीडियो बना के, आई थिंक कुछ खाने जाऊँगा मैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गाइस एवरेज ऑफ 5 आया है। आपका कितना है एवरेज ऑफ 5 ड्रिफ्ट 3M+ यूजर्स स्पेशली, मुझे कमेंट करके बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।